गुड मॉर्निंग एवरी वन आज हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए जो पिछली बार हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने में उसी तरह की मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स By using elementary transformations, rank of a matrix by using elementary transformations. Transformations. बेसिकली आपने दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और उसी की सहायता से हम रैंक निकालने के तरीके पर आज डिस्कस करेंगे अगर मान लिया जाए कि इफ ए इज ए आई जे बी मैट्रिक्स of order M cross N if Aij a, be a matrix of order M cross N then then the rank of a matrix the rank of matrix A can be obtained obtained by reducing reducing the matrix the matrix into into number 1 echelon form number 2 normal form by using sequence of elementary transformations Sequence of ऑफ एलिमेंट्री ये जो हमने मैट्रिक्स का रैंक निकालने का तरीका पिछली लेक्चर में हमने बताया था आज आपको ये बताना है कि किसी भी मैट्रिक्स के रैंक निकालने के आ, कैसे निकालेंगे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हमने एक मैट्रिक्स लिया ए ए आई जे

जो आपने एक आपनेट्री का पढ़ा है उसकी बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये फॉर्म में आ जाएगा, या हम नॉर्मल फॉर्म में फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म भी यहाँ लिख देते हैं नॉर्मल फॉर्म तो यब ये आपको सीखना होगा कि ये इक्लिन फॉर्म क्या होता है और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है तो कुछ एक एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं आपको सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको लिखे इकलिन फॉर्म क्या होता है इकलिन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इकलिन फॉर्म क्या होता है ये जरा ध्यान से देखें अ मैट्रिक्स A matrix A is equal to A is a m cross n is said to be it said to be in echelon form in echelon form if the number of if the number of zeros preceding number of zeros preceding number of zeros preceding the first non zero entry Non-zero entry. Number of zeros preceding the first zero non-zero non entry of a row of a row increases row by row until until only zero row remain row remain and the first non zero entry entry in in, in

फॉर्म का तब कहा जाता है जब नंबर ऑफ प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो अंटिल वनली जीरो रो रिमेन एंड द फर्स्ट नॉन जीरो नॉन जीरो रोज इज यूनिटी ये दो बातें ध्यान रखना है तो जैसे मैं आपसे बताऊं कि कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं हम जरा ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा आपका वन टू थ्री फोर जीरो वन टू वन माइनस वन थ्री जीरो जीरो फाइव जीरो 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 सिक्स सिक्स नहीं वन एंड हियर इज जीरो 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 हाउ मेनी रोज आर देयर इसमें जरा ध्यान से देखें तो इसमें आपके रोज दिख रहे हैं एक दो तीन चार पांच फाइव रो है ये आपका आर वन है आर टू है आर थ्री है आर फोर है आर फाइव है अब जरा देखा जाए इस डेफिनेशन को इस डेफिनेशन में यह बात कही गई है कि अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी इन इकलिन फॉर्म इफ नंबर ऑफ जीरोस प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो इंट्री ऑफ ए रो इंक्रीजेस रो बाई रो अंटिल ओनली जीरो रो रिमेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें यह कहा जा रहा है कि नम, जो आपके जैसे मान लीजिए ये पहला रो है फिर इसके बाद वाला क्या आएगा दूसरा रो आएगा इसके बाद वाला तीसरा रो आएगा चौथा रो आएगा पांचवा रो आएगा और इसके जो फर्स्ट जो नॉन जीरो एंट्री है देखिए यहां पर वन है रो में यहाँ दूसरे वाले में वन है तीसरे वाले में वन है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, चौथे वाले में वन है पांचवें वाले में भी हाई नहीं है नॉन जीरो हाई नहीं है तो यहां देखिए जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहां लिखा गया है नंबर ऑफ जीरोज़ प्रिसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए रो तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ रो के पहले आने वाले जीरोज में जरा देखें तो यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो रो का वन एलिमेंट है इसके पहले कोई जीरो नहीं है यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड में देखें आगे बढ़े हम सेकेंड रो में देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो वन है इसके पहले आने वाला जीरो वन है जीरो एक है फिर दूसरे में नीचे आए तो इसमें नॉन जीरो के जीरो हो गया के पहले आने वाला यहाँ पर आपका नॉन जीरो के पहले तीन आने वाले हैं यहाँ पर सारा के सारा जीरो है यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो फर्स्ट जो आपका नंबर ऑफ आप जीरोज हैं जो पहले आने वाले हैं किसी रो के नॉन जीरो एंट्री के पहले आने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है रो बाय रो जो हम आगे बढ़ेंगे रो बाय रो बढ़ेगी और तब तक बढ़ेगी जब तक जीरो रो, रो रिमेन जब तक जीरो रो ना आ जाए जैसे कि यहाँ पर जीरो रो आ गया है और ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए वो आपको क्या होना चाहिए यूनिटी होना चाहिए देखिए इसमें सब यूनिटी है तो दिस इज दिस इज इन एक फॉर्म दिस इज इन एक फॉर्म ये आपका इकलन फॉर्म में है अब ये बताया गया कि रैंक से क्या मतलब है यहां पर ये बताया गया नोट में a matrix a is reduced reduced to echelon form by using Elementary row operations, then the rank of matrix, then the rank of matrix. इज नंबर ऑफ नाइन जीरो नाइन जीरो रूल्स ऑफ इक्लेन फॉर्म इक्लेन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इसका यह मतलब होता है कि अगर इफ आर बी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ इकलन फॉर्म ऑफ इकलन फॉर्म of matrix A A I J e, M cross N then rank of matrix A is equal to r then rank of matrix A is equal to r तो इस तरह से हम equivalent form को लेकिन एक चीज़ से आपको बता बड़ा क्लियर है आपको बताते हैं बड़ा clear है चूंकि रैंक में ये बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के लिए कहा जा रहा है तो जब भी किसी मैट्रिक्स को आप इक्लेन फॉर्म में बदलिएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए तो केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगेगा बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज गोइंग टू डिफाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ इक्लेन फॉर्म और लगा के इक्लेन फॉर्म में ला देंगे और उसकन फार्म से देख लेंगे कि भाई कितने नॉन जीरो रोज हैं और वही उसका रैंक हो जाएगा मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं देन आई विल डिस्कस द नेक्स्ट वन इज नॉर्मल फॉर्म एक एग्जाम्पल अभी आप नोट करें ये है फाइंड फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू इलेनफा और ये मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू वन वन टू वन टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस वन इसी का रैंक निकालना है मान लीजिए है इसका रैंक निकालना है रिड्यूस करके अब हम रो ट्रांस ये सॉरी एक फॉर्म में लाने के लिए आपको मैंने बताया है कि केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन की ही सहायता ली जा सकती तो है फॉर्म के लिए हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे यहां पर इसके सोल्यूशन में देखा जाए कैसे करेंगे हम लोग इसको ध्यान से देखें वी नो दैट We know that to for equal form form equal form we have to apply elementary एलिमेंट्री रू ऑपरेश रू ऑपरेश तो सबसे पहले हम ए को लिखेंगे यहां सो वी राइट सो वी हैव ए लिखेंगे वन वन टू वन टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस वन अब इसके रैंक निकालने के लिए चल रहे हैं हमको ये देखना है कि किसी रोक में यहां देखें हम तो ये एक रो दिख रहा है ये भी एक रो दिख रहा है यहाँ पर तीन रो है तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि जो 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 आगे बढ़ेंगे फर्स्ट नॉन जीरो इंट्री आपकी जीरो होनी चाहिए अस स्टार्ट कि हम मान लीजिए आपको इसको हम चाहते हैं कि ये जीरो हो जाए ये तो जीरो ऑलरेडी है, है नहीं है तो अस फाइंड अप्लाई अप्लाई आर टू इज गोइंग टू चेंज आर टू माइनस आर वन पहला तो ये कर लिया जाए है ना तो क्या आता जरा देखा जाए ए इज इक्विवेलेंट एन टू आर वन में से रहेगा वन वन टू आर टू के एलिमेंट देखा जाए आर टू क्या है वन आर टू में से आर वन कर दो तो सामने दिख रहा है वन माइनस वन इज जीरो टू माइनस वन इज वन थ्री माइनस टू इज वन एंड जीरो माइनस वन माइनस वन ये हो गया राइट right? अब हम अप्लाई करना चाहते हैं आर थ्री को अप्लाई आर थ्री इज गोइंग टू चेंज आर थ्री प्लस आर टू कर दे तो देखे क्या होता है तो ए इज इक्विवेलेंट टू वन वन टू जीरो वन वन ये हो गया जीरो दिस प्लस दिस इज जीरो दिस प्लस दिस इज जीरो ये मिल गया अब हम इसमें और कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो यहां पर ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वेल इन टू वन वन टू जीरो वन वन जीरो 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 दिस इज दिस इज इक्लिन फॉर हेंस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स हाँ यहां आप लिख दीजिएगा दिस इज इक्लन फॉर हैविंग हैविंग टू नॉन जीरो रोज हैविंग टू नॉन जीरो रोज टू नॉन नॉन ज़ीरो ज़ीरो रोज़ दो रो तीन रो था इसमें से एक रो में सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये आपके नॉन जीरो रोज हुए हैंस रैंक ऑफ़ दिस मैट्रिक्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दैट इज़ रो इक्वल टू टू यही आंसर हो जाएगा तो इस तरह से हम आप आसानी से आ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को एक फॉर्म में बदल देंगे और उससे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हो सकते हैं और ऑब्जर्व होने पर कितने आ रहे हैं वही उसका रैंक हो जाएगा एक एग्जांपल था मैंने अभी समझाया आपको अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म के लिए नॉर्मल फार्म तो नॉर्मल फार्म में क्या होता है नॉर्मल फॉर्म इसके बारे में पहले आप सीखेंगे तब हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे इफ अ मैट्रिक्स इफ अ मैट्रिक्स ए A I J M cross <coughs> N is reduced by using by using sequence of

और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यो मैट्रिक्स ए इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू टू एनी ऑन ऑफ द फॉर्म एनी वन ऑफ द फॉर्म गिवेन बिलो कार्ड नॉर्मल फॉर्म इसको नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है फॉर्म कौन कौन से हैं जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे दीजिए आई आर आई आर का मतलब क्या है आर इज एनी पॉजिटिव नंबर आई आर का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर आर वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो 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 आर क्रॉस आर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ या इसी तरह से हम करें बात की अब जिसे मान लीजिए आई टू की बात करते हैं हम आपको आई टू का मतलब हो गया वन जीरो

ये हो गया दूसरा फार। फॉर एग्जाम्पल जिसे मान लीजिए आगे जब हम ले लें जिसे मान लीजिए हम ले लें आई टू जीरो इसका क्या मतलब है इसको समझ लें आप इसका मतलब है वन जीरो जीरो वन जीरो 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 ये इसका मतलब है ये है I2 इसी तरह से मान लीजिए आपको कह दें मान लीजिए आपसे कह दिया जाए आई थ्री जीरो 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 इसका मतलब होगा आपका वन जीरो 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 वन जीरो जीरो वन ये भी सब जीरो सब जीरो मैट्रिक्स हुआ ये आपका हो गया आई थ्री आई मीन टू से ये दो फॉर्म दिख रहे आपको तीसरा फॉर्म ये है तीसरा फॉर्म ये है आई आर जीरो ऐसे भी हो सकता है इसको समझने के लिए मैं आपको इसे मान लीजिए आई टू जीरो लिखना चाहता हूं ये हो जाएगा आपका तो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो, जीरो। ये हो गया आई टू जीरो मान लीजिए आई थ्री जीरो लिखना चाहते हैं वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो जीरो जीरो, जीरो। आई थ्री जीरो वाला हो गया अब इसी तरह से एक चौथा फॉर्म है वो फोर्थ फॉर्म है वो आपका है आई आर जीरो ऐसे भी हो सकता है इसके लिए मैं आपको एग्जैक्टली exactly यही कर दे हम मान लीजिए आई टू जीरो हो जाए। तो आपका ऐसे हो जाएगा वन जीरो, जीरो, वान जीरो, जीरो, जीरो। ऐसे हो गया। अब ये बात आती है कि भाई अगर ये हमने एलिमेंट्री फॉर्म से इसको रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में पहला फॉर्म जो मैंने बताया आपसे ये पहला फॉर्म हो गया यह हो गया आपका दूसरा फॉर्म यह हो गया आपका तीसरा फॉर्म, ये हो गया आपका चौथा फॉर्म तो अगर ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से इसमें बोथ लगेगा दोनों ही लगेगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगेगा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगेगा नहीं तो इसमें दोनों के सहायता से अगर किसी मैट्रिक्स को हम इस चारों में से किसी एक फॉर्म में ला दें तो उस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आर्डर के बराबर होती है <coughs> तो यहां आप कह सकते हैं नोट में इसके नीचे नोट में आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां नोट में जगह है देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आर दट इज रो ऑफ ए इज इक्वल टू आर ये हो जाता है अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो लेट एस स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन की हाउ टू फाइंड द मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर तो प्लीज राइट द एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ based on normal form. तो एक एग्जाम्पल करें फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट to normal far a is equal to 1 minus 1 minus 1 1 1 1 3 1 1 equimatrix अब इसको नॉर्मल फार्म में हमको रिड्यूस करके हमको रैंक निकालना है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके में आपको मैंने बताया था कि जब भी नॉर्मल रिड्यूस करना है इसमें चार तरह के फार्म है या तो आई आई भी निकालिए आई थ्री में तीन क्लास तीन का है या आई टू में जो भी हो या आई टू में कर लीजिए या ये आई थ्री में करिए या हम आपको ऐसे कर लीजिए आई टू जीरो में या आई टू जीरो में ऐसे कर लीजिए या आई टू जीरो 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 में कर लीजिए मतलब इसमें चारों फॉर्म से किसी में कर लीजिए तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग ये चारों फॉर्म में से एक फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग इसमें आपको छूट है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो फर्स्ट हियर राइट मैट्रिक्स इज एक को ऐसे लिखेंगे जो लिखा गया है वन माइनस वन माइनस वन 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 थ्री वन और वन देखिए हमको मेन पर्पज है आइडेंटिटी में ये सारा एलिमेंट डायगोनल जीरो हो जाए सॉरी वन हो जाए ये तो ही है ही ये सब जीरो हो जाए, तो नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा फाइंड, अप्लाइंग पहला तो काम ये कर ही लिया जाए कि आर थ्री इज गोइंग टू चेंज आर थ्री प्लस आर वन ये R2 पहले कर लिया जाए R2 टू इज गोइंग टू चेंज आर टू प्लस आर वन एंड इज गोइंग टू चेंज आर थ्री प्लस तो हमारे पास एक मैट्रिक्स जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा आर वन चेंज नहीं हो रहा है आर वन आपका वन माइनस वन वन रहेगा माइनस वन रहेगा अब ये चेंज हो रहा है आर टू तो वन प्लस वन इज टू वाइनस वन प्लस वन इज जीरो Right? राइट? वाला हो गया। गया। को चेंज कर रहा है। ये हमको मिल गया। अब इसमें जरा ध्यान देखें हम तो ये आर टू को वन ला दे यहाँ पर भी वन लाए चाहे वैसे भी कर सकते हैं आप चाहे तो आर फोर इज गोइंग टू आर थ्री इज गोइंग टू चेंज यहां लिख देंगे अप्लाइंग आर थ्री इज गोइंग टू चेंज आर थ्री माइनस टू आर टू एंड आर टू इज गोइंग टू चेंज वन अपॉन टू आर टू ये जो होगा मैट्रिक्स होगा इक्न टू वन माइनस वन माइनस वन ये आ जाएगा वन जीरो जीरो इसमें से घटेगा तो जीरो जीरो और जीरो राइट right? अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम चाहे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं तो अप्लाइंग्लाइंग सी टू इज गोइंग टू चेंज सॉरी C3 थ्री इज गोइंग टू चेंज सी थ्री माइनस सी टू तो ये जो होगा एक वेलेंट होगा सीवंत तो वैसे ही रहेगा वन वन जीरो आपका माइनस वन जीरो जीरो और सी टू माइनस सी थ्री करेंगे माइनस सी टू करेंगे ये सारा जीरो हो जाएगा ये आ गया। अब हम चलते हैं आगे फिर बढ़ते हैं अप्लाइंग आ, C2 is going to change. C2 टू अगर करेंगे चेंज तो आपका यहाँ वन आ जाएगा माइनस सी टू कर लीजिए माइनस सी टू कर लिया जाए तो ये हो जाएगा ए इज इक्वेलेंट वन 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 जीरो 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 ये मिल गया हम थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं आर वन चेंज कर लेते हैं आर वन माइनस आर टू कर लें तो ए इज इक्वेलेंट टू वन सॉरी जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो और जीरो जीरो जीरो, जीरो, जीरो ये मिल गया अब इसको वन आना चाहिए ऊपर तो आर वन और आर टू को इंटरचेंज कर लें तो ए जो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 अब ये जो मैट्रिक्स बन गया ये इस फॉर्म का बन गया आई टू जीरो 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 इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू टू रो ऑफ ए इज इक्वल टू टू यही इसका आंसर होगा तो मेरी समझ से आपको ये समझ में आया होगा और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आप लोग हर सर प्रैक्टिस करें और जो नहीं आता है उसको पूछें तो नेक्स्ट जो है हम लोग कल इसको आगे डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल और भी मैं कराऊंगा और कराने के साथ साथ आप घर पर लेकिन ज़रूर से प्रैक्टिस करें मेहनत करें तभी आपको ये समझ में भी आएगा और प्रैक्टिस लाना है एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ कि नॉर्मल रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन और कालर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लगेगा जबकि अगर रो एक फार्म लाना होगा तो उसमें केवल रो लगाना होगा और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लेने होंगे वही रैंक होता है और नॉर्मल फार्म में से आइडेंटिटी मैट्रिक जिस फॉर्म में आ जाए चारों में से वही उसका रैंक होगा है ना इसको आप लोग प्रैक्टिस करके आप लोग आइए जो नहीं आता उसको पूछिए आई विल एक्सप्लेन एट द मोमेंट तो आज का लेक्चर रहने देते हैं फिर और कल के लेक्चर में हम लोग पुनः इसके एग्जाम्पल्स को लेकर साथ में आएंगे और इससे पहले कि थोड़ा आप लोग रिवाइज करके आइए क्योंकि तो रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा इट इज़ मैथमेटिक्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस सो इससे रिवीजन करके आइए और उसको हम लोग कल आगे पढ़ेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच